सो हेलो मेरा आप सभी का स्वागत है गेम फिल्म चैनल में। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने लगा है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हिप हॉप बंडल के नेक्स्ट इनक्यूबलेटर में आपको देखने को मिल सकता है, जो कि पूरा एलीट पास का सेक्शन होता है। उसमें वो पूरा के पूरे बंडल जो हिप हॉप बंडल है, जितनी भी एलीट पास है, वो सारे एक इनक्यूबलेटर में आपको देखने को मिल सकते कि नहीं मिल सकते, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। साथ में यहाँ पर 3-in-1 इनक्यूबलेटर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो कैसा दिखने वाला है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और यहाँ पर गाइस जो न्यू मैजिक क्यूब है वो आपको कैसे फ्री में मिल सकता है यहाँ पर क्रिसमस इवेंट पर, इसके बारे में हम बात करने वाले। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और चैनल पर पहली बार आए मेरे भाई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। तो मेरे भाई वीडियो शुरू करने से पहले आज के गिवे के विनर्स अनाउंस कर देते हैं। तो आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हो ये हमारे आज के गिवे के विनर्स, और आप सभी गिवे में कैसे जुड़ सकते हो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल से बहुत नॉर्मल से स्टेप से वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो मेरे भाई यहाँ पर आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर क्रिसमस इवेंट का एक ट्रेलर लॉन्च हुआ था, जो कि 12 दिन का शेड्यूल दे रखा है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 2 ग्लू वॉल की स्किन दी गई थी। यहाँ पर 6ठे दिन पे आप सभी को यहाँ पर स्केटबोर्ड फ्री मिलेगा, और यहां पर देख सकते हो 5वें दिन पे आपको जीप की स्किन मिल रही है, 4थे दिन पे वेगर मिल रहा है, और यहां पर बहुत कुछ दे रखा है। तो यहां पर गाइस क्या हो सकता है इसका मतलब, यानी कि यार आप सभी को बता दूं यहां पर जो क्रिसमस इवेंट आया है उसमें गाइस आपको 6 दिन दे रखे हैं। आपको पहले दिन पे सबको यार ग्रेनेड की स्किन फ्री मिल गई है। अब देखते हैं यहां पर 2रे दिन पे क्या फ्री मिलेगा, इन सब में से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, सबसे पहली बात तो ये है। और साथ में आप सभी को बता दूं यहां पर नेक्स्ट टॉप अप इवेंट में कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है, यहां पर पूरा कंफर्म हो चुका है। यहां पर आप सभी को नेक्स्ट टॉप अप इवेंट में ग्लूवल की स्किन देखने को मिल सकती है, जो कि एक सेंटा क्लॉज की ग्लूवल की स्किन है। तो उसका इंटरफेस कैसा होने वाला है, वो कैसे दिखेगी, और आप जब उसको लगाओगे तो आपको कैसा फील आने वाला है, तो यहां पर आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हो ये है सेंटा क्लॉज की ग्लूवल, जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी लग रही है। और आप सभी को तो सभी को मेरे तरफ से यार मेरी मेरे क्रिसमस। और गाइस आप सभी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना आपने क्रिसमस में सेंटा क्लॉज से क्या क्या मांगा है, मतलब क्या क्या डिमांड की है, वो आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बंदे जरूर बताना। अगर आप रात में कल सोए होंगे तो यार मतलब कल की रात जब आप 24 तारीख को सोए होंगे तो आपने क्या सोचा था कि यार काश हमें भी सेंटा क्लॉज कुछ आकर दे दे, तो क्या आपने सोचा था इसके बारे में आप जरूर से जरूर नीचे बताना। मेरे को जहाँ तक लगता है आपने कुछ अच्छा ही मांगा होगा, और शायद आप ये सोच रहे होंगे कि यार काश गरीना कुछ भयंकर इवेंट लेकर आ जाए। तो आप सभी को यहाँ पर ग्रेनेड की स्किन तो मिल चुकी है, अब देखते हैं कल आपको क्या मिलने वाला है। अब मेन मुद्दा तो ये, यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है आपको स्केटबोर्ड और बहुत कुछ इवेंट देखने को मिल सकता है। और साथ में आप सभी को तो यहाँ पर हमारा जो बरमूडा रिमास्टर है वो 1 तारीख को आ जाएगा, तो उसमें भी आपको बहुत सारे छोटे मोटे इवेंट देखने को मिल जाएंगे। अभी गाइस आप सभी को तो यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर 100% डायमंड बोनस टॉप अप इवेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको 50% 60% 70% 80% तक छूट मिल सकती है डायमंड टॉप अप पे गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 100% मिल चुका है, और यहाँ पर गाइस बहुत ही अच्छा इवेंट है ये, इसमें आप सभी को अच्छे डिस्काउंट में डायमंड टॉप अप मिल जाता है, जो कि बहुत ही ओपी बात है, और बहुत सस्ते में डायमंड मिलता है। इस चीज़ से देख के यार मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर आप सभी को फ्री के कैरेक्टर्स कैसे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो आपको क्रिसमस इवेंट में फ्री में देखने को मिल सकते हैं। तो भाई आप सभी को तो यहाँ पर क्रिसमस इवेंट चल रहा है, और यहाँ पर विंटर भी आ चुका है, तो यहाँ पर गरीना वाले यार क्रिसमस इवेंट पे बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं बाहर के सर्वर्स में। तो यहाँ पर बाहर के सर्वर में तो गाइस लेवल 8 के कार्ड्स लेके बहुत सारे कैरेक्टर्स फ्री मिल रहे हैं, और इंडियन सर्वर में इस बार बिल्कुल फोकस नहीं किया गया क्रिसमस इवेंट पे, जो कि मुझे दिल से बुरा लगता है। और यहाँ पर आप सभी को मैं दिखा देता हूँ क्रिसमस इवेंट पे बाहर के सर्वर में यहाँ पर हर तरह के कैरेक्टर्स फ्री मिल रहे हैं, और हो सकता है यहाँ पर चांसेस लग रहे हैं मुझे इंडियन सर्वर में भी आप सभी को यहाँ पर कैरेक्टर फ्री में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास जो कैरेक्टर नहीं है वो आप आराम से इजीली क्लेम कर सकते हो, यहाँ से सीधा आप कैरेक्टर फ्री में क्लेम कर सकते हो। तो अगर ये इंडियन सर्वर में इवेंट आ जाता है कल परसों तो ये बहुत ही ओपी हो जाएगा। अब देखते हैं ये इंडियन सर्वर में आता है कि नहीं आता है, अभी यहाँ पर पूरा कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पर हर बार जैसे किसी भी इवेंट पर दिवाली इवेंट हो या कुछ भी इवेंट हो कैरेक्टर फ्री मिलते हैं गाइस। तो मैं आप सभी को तो यहाँ पर चांसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पर आप सभी को क्रिसमस इवेंट पर कैरेक्टर फ्री में देखने को मिल सकते हैं। अभी मेरे भाई आप सभी को तो यहाँ पर आप सभी को यार ग्रेनेड की स्किन तो फ्री मिल गई, जो कि बहुत ही आसानी से मिल गई, कुछ भी नहीं करना था आपको, गिफ्ट ओपन करना था और डायरेक्टली आपको मिल गया। अभी यहाँ पर आपको और क्या क्या आइटम्स मिल सकते हैं तो मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ यहाँ पर और कौन कौन से आइटम जो कि आपको क्रिसमस इवेंट पे फ्री मिल रहे हैं, और बहुत ही आसानी से गाइस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ टोकन्स कलेक्ट करने हैं। अभी यहाँ पर गाइस आपको टोकन्स भी देखने को मिल सकते हैं कल के दिन, और यहाँ पर कुछ नए आइटम्स भी अवेलेबल देखने को मिल सकते हैं। तो आप सभी की स्क्रीन पर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कौन से तरीके के टोकन्स कलेक्ट करने हैं जिससे कि आपको ये आइटम्स फ्री में मिल जाएंगे। तो आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हो ये रहे टोकन जो कि क्रिसमस ट्री है, और इसको आपको कलेक्ट करना, और जैसे आप कलेक्ट कर लेते हो आप सभी को यहाँ पर टुक टुक की स्किन फ्री मिल जाएगी, साथ में यहाँ पर आपको स्केटबोर्ड फ्री मिल जाएगा, फिर यहाँ पर आपको गाइस बैकपैक मिल जाएगा जो कि बहुत ही ओपी और लेजेंडरी बैकपैक लग रहा है, और देखने में भी बहुत अच्छा है, और यार लुकिंग वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके का इंटरफेस है गाइस यहाँ पर टोकन का, जो कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको गेम खेलना है, और यहाँ पर गेम खेलने से आपको ये टोकन ईजिली मिल जाएंगे। अभी मेरे भाई यहाँ पर आप सभी को तो बाहर के सर्वर में क्रिसमस इवेंट पर मैजिक क्यूब फ्री मिल रहा है, और चांसेस है यहाँ पर इंडियन सर्वर में भी मैजिक क्यूब फ्री में दिया जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी और अद्भुत हो जाएगा अगर ये
मैजिक क्यूब सभी को फ्री मिल जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर कोई ना कोई अच्छा बंडल निकाल सकते हो। अभी मैजिक क्यूब में मतलब अच्छे अच्छे बंडल तो है ही, बस आर्टिक बंडल की कमी है। अगर आर्टिक बंडल भी आ जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपी और अमेजिंग हो जाएगा। और अगर आर्टिक बंडल आ जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर गाइस मैजिक क्यूब भी फ्री मिल रहा है, जो कि बहुत ही ओपी है। और देखते हैं इंडियन सर्वर में ये मैजिक क्यूब आता है कि नहीं। तो मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि जब ये मैजिक क्यूब आएगा तो कितने बंदे यार लेंगे और ये कितना एक्साइटमेंट हो सकता है। शायद ये न्यू ईयर इवेंट में भी देखने को मिल सकता है या फिर आपको कल परसों में देखने को भी मिल सकता है। अभी गाइस आप सभी को तो यहाँ पर 3-in-1 इनक्यूबलेटर आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा ओपी है। और इसमें आपको क्या करना है यहाँ पर मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका इंटरफेस कैसा होने वाला है वो दिखाया था, तो आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर गाइस आपको लॉग इन करना है और आपको यहाँ पर क्लेम कर लेना है कोई भी एक टोकन। तो यहाँ पर मैं ब्लू टोकन पर्पल टोकन क्लेम कर लेता हूँ, आप सभी देख सकते हो। तो मैंने पर्पल टोकन क्लेम कर लिया है। फिर एक कलर के टोकन से सिर्फ आप एक बंडल क्लेम कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी और अमेजिंग लगा है। तो यहाँ पर गाइस पर्पल टोकन गाइस शायद एक बंडल के लिए, तो यहाँ पर गाइस 3 तरीके के बंडल दिए जाएंगे। तो यहाँ पर गाइस मैंने यहाँ पर जो क्लेम किया है वो बहुत ही ओपी बंडल क्लेम किया और मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मैंने यहाँ पर ब्लू शेड बंडल क्लेम किया, जो कि मुझे बहुत ओपी लगता है और गजब का लगता है और उसको देखने में भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर किस तरीके का इंटरफेस होने वाला इवेंट का वो भी दिखाता हूँ। आपको नॉर्मली इनक्यूबलेटर में जाना है और जाकर क्लेम कर लेना है बहुत ही आसानी से। यहाँ पर आपको टोकन दिया जाएगा और यहाँ पर टोकन आप क्लेम कर सकते हो, जो कि बाहर के सर्वर में चल रहा है। तो आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पर गाइस ये वाला बंडल है। इसके बाद ग्रेफिटो वाले बंडल में गाइस मुझे ऊपर वाला फर्स्ट पसंद था, इसमें मुझे गोल्डन शेड बहुत ओपी लगता है और यहाँ पर नेवी शेड भी बहुत अच्छा है। तो आप सभी देख सकते हो, तो यहाँ पर 3 तरीके के बंडल है और तीनों ही बहुत ओपी और गजब के बंडल है और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। और ये इवेंट गाइस अगर इंडियन सर्वर में आता है एकदम मचा देगा गाइस, बहुत भारी इवेंट है और इसको देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ओपी दिखने वाला है। साथ में गाइस आप सभी को बता दूं यहाँ पर गाइस न्यू जो वेक्टर की गन की स्किन है वो आपको किस में देखने को मिल सकती है। बहुत से बंदे सोच रहे थे वेपन रॉयल में आ जाएगी या किसी सेक्शन में आ सकती है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर गन की स्किन किसी क्रेट्स में आने वाली है। तो आप सभी देख सकते हो ये है क्रेट वेक्टर का, जिसमें गाइस देख सकते हो यहाँ पर सारी गन परमानेंट दे रखी है। हर एक गन जो भी जितनी भी गन है ना इसमें सारी की सारी परमानेंट मिल रही है, मतलब अगर आप स्पिन करते हो तो आपको परमानेंट तो मिल ही जाएगी। साथ में गाइस शायद हो सकता है नीचे की तरफ 24 घंटे वाली भी गन की स्किन हो सकती है, लेकिन मुझे ज्यादा लगता है यहाँ पर परमानेंट गन दी जाएगी, लेकिन ये जो क्रिएटर शायद महंगा हो सकता है। तो ये जो क्रिएटर मुझे बहुत ही ज्यादा ओपी लगी। अभी गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर हिप हॉप बंडल, जितने भी बंडल है जितने भी रेयर एलीट पास है वो आप सभी को कैसे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पर गाइस पिछले साल यहाँ पर एक इवेंट चला था जिसमें गाइस यहाँ पर हिप हॉप बंडल से लेकर जितने भी रेयर एलीट पास है वो सारे के सारे एक इनक्यूबलेटर में दिए गए थे। तो वो इनक्यूबलेटर बहुत ज्यादा गजब था और मैं आपको बता दूं उसका प्राइस कितना था, मतलब उसको स्पिन करने में कितने डायमंड्स लगते थे। तो मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पर 2500 डायमंड लगे थे उस टाइम गाइस, मतलब एक स्पिन अगर आपको करना है उस इनक्यूबलेटर में तो 2500 डायमंड लगते हैं उस स्पिन करने के लिए। तो यहाँ पर आप सभी को बता दूं यहाँ पर इस बार अगर वो इनक्यूबलेटर आता है तो यहाँ पर शायद 5000 से 10000 डायमंड तक लग सकता है उसमें स्पिन करने के लिए। और साथ में आपको बता दूं पिछली बार तो गाइस सिर्फ 10 बंडल थे, इस बार गाइस शायद 20 बंडल होंगे, मतलब 20 तो मेल के और 20 फीमेल के, उसमें से आपको स्पिन करके बंडल्स निकालने हैं। तो गाइस इस तरीके का इनक्यूबलेटर आने वाला है और बहुत ज़्यादा गजब हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो तो पिछले साल इस तरीके का इनक्यूबलेटर आया था और यहाँ पर 2500 के डायमंड की स्पिन में गाइस यहाँ पर गाइस कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर बस स्पिन करना, 2500 डायमंड का एक बंडल निकलेगा, जो भी निकलेगा किस्मत से वो परमानेंट होगा। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो यहाँ पर गाइस हिप हॉप बंडल निकल गया, जो कि बहुत ही ओपी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इवेंट देखने को मिल सकता है, जो कि गाइस नेक्स्ट हमारा ईयर आने वाला है तो उसमें आपको मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे देखने को मिल सकता है, जो कि मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और गाइस अगर ये इनक्यूबलेटर आता है तो कितने बंदे इसमें मतलब जितने डायमंड लगेंगे उतने स्पिन कर सकते हैं, तो आप कितने स्पिन कर सकते हो ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और कितने लोग इसके लिए एक्साइटेड है। उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल में पहली बार आए मेरे भाई तो प्लीज़ यार चैनल कर लो सब्सक्राइब। तो मेरे भाई अभी बात कर लेते हैं आप सभी गेम कैसे जोड़ सकते हो, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बहुत नॉर्मल सी स्टेप से गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको 500 डायमंड गिवे लिंक मिलेगा, उस पर जाकर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर लोगे आप हमारे सेकंड चैनल पे आ जाओगे, उसको आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, बस इतनी सी स्टेप से गाइस और आप भी गेम में ज्वाइन हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूं गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल पहली बार आए मेरे भाई तो प्लीज चैनल कर लो सब्सक्राइब गाइस। तो बाय फ्रेंड्स।